भगवान शिव जब किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं तो उस पवित्र शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं, जो किसी मानव या देव निर्मित नहीं होती बल्कि भगवान वरदान स्वरूप वहां स्वयं प्रकट होते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर गुड़ नाम की तहसील है। ग्राम गुड़ उत्तर बसत हैं, रहते सबके साथ, सबके कष्ट दूर करत हैं नाम कष्टहर नाथ। भगवान भैरव के नाम से विख्यात ये नगर अपने आप में आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व रखता है, लेकिन यहाँ एक और ऐसा मंदिर स्थित है जहाँ भगवान शिव किसी विशेष कार्य को पूरा करने हेतु स्वयं प्रकट हुए हैं, और ये है कष्टहरनाथ मंदिर, जहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन मात्र से सभी कष्टों का हरण होता है। मंदिर संवत 603 से जाना जा रहा है, इसके पहले भी था। इनका कष्टहरनाथ नाम है, जिनके पास जो कष्ट हो वो कष्ट का ही दूर करत है। महिमा इनका बहुत बड़ी है, वर्णन की नहीं जा सके तो कष्टहरनाथ के वर्णन का की जाए। कहा जाता है यह मंदिर 1500 साल से भी अधिक पुराना है, और इसकी सबसे अनोखी बात है कि यहाँ विराजमान शिवलिंग स्वयंभू है, प्रतिष्ठित है स्वयंभू। अभी नीचे एक जलहली और है इनके, वो 2023 में बैठाई गई है। जलहली जो लगी है सफेद, 2023 में बैठी है। और श्रद्धालुओं की माने तो शिवलिंग प्रतिवर्ष थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी जाता है, और वर्तमान में इसकी लंबाई 4 फीट से अधिक हो चुकी है। अनुभव किए, अब वो तो खोली पहने नहीं तो आप भी अनुभव कर लेते, देख लेते कि कैसे बढ़ते हैं। ये श्रद्धालु लोग हैं, ये सब जानते हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और अद्भुत कहानी है। कहते हैं एक रात जब इस स्थान पर कोई मंदिर नहीं था, लेकिन अगले दिन जब ग्रामीण उठे तो यह मंदिर बनकर तैयार खड़ा था। माना जाता है कि रातों रात इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। कष्टहरनाथ जो महादेव देवोदय महादेव है, यहाँ पर भी आदिकाल से जो शिवलिंग की स्थापना है, इस शिवलिंग की बड़ा मानता है, आस्था है लोगों को। शिवरात्रि और बसंत पंचमी को मेला लगता है इस क्षेत्र में। ये बहुत महादेव है, पहले अब तो बस्ती होगी, पहले बस्ती नहीं हुआ करती थी, तो इसकी बड़ी आस्था है। और जब लोग जहाँ ज्यादा जाने लगते हैं, जहाँ से वहाँ वहाँ व्यक्ति की आस्था पैदा होती है। यहाँ के पत्थरों में कहीं भी जोड़ नहीं दिखाई देता, और मंदिर का प्रवेश द्वार भी अपनी असल जगह से अलग बना हुआ है। आज करीब 50 युवा हमारे साथ एक साथ बाबा कष्टहरनाथ की सेवा में सम्मिलित होते हैं प्रतिदिन, और बढ़ चढ़कर एकदम पूरा हर्षोल्लास के साथ बाबा के इस आरती में अपना योगदान प्रदान करते हैं। सदियों पुराना यह मंदिर अपने इतिहास और चमत्कारों के साथ आज भी खड़ा है, मानो श्रद्धालुओं की आस्था का सजीव प्रमाण हो। इनकी कृपा ही ऐसी है, कहते हैं कि इनके चेहरे पे वो जादू है, दिन रात खिंचा जाता हूँ और जाना होता है और कहीं इनकी ओर चला। जो मैं फील करता हूँ कि मुझे हर क्षेत्र में बाबा का साथ मिलता है और बाबा का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहता है। जो भी बैठ गया वो उन्हीं पे लीन हो गया। भक्त यहाँ भगवान शंकर से अपना कष्ट दूर करने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिवलिंग के निरंतर बढ़ते रहने का रहस्य आज भी एक पहेली बना हुआ है, जो इस मंदिर की दिव्यता को और भी गहरा करता है।